बगान ले जाकर युवक को मारा। घर से बुलाकर आम बगान ले जाकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवक का पड़ोसी बताया जाता रहा है। यह घटना मालदा जिले के रोहतवा थाना क्षेत्र के मंडल पाड़ा इलाके में बुधवार दोपहर को घटी। घायल युवक का नाम अमित मंडल, उम्र 33 वर्ष है। आरोपी के खिलाफ रोहतवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। स्थानीय पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी युवक दीपक मंडल ने अमित मंडल को अपने घर से बुलाकर आम बगान ले गया। परिजनों के मुताबिक आम के बगीचे में दीपक और अमित के अलावा कई लोग मौजूद थे, तभी दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दीपक मंडल ने अमित मंडल के पेट में चाकू मार दिया। अमित मंडल के चिल्लाने पर पड़ोसी और परिवार के सदस्य वहां पहुंचे और तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल ले गए। वहां हालत अधिक बिगड़ने पर उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। अमित मंडल नामक युवक फिलहाल मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर हालत में इलाजरत है। पीड़ित परिवार की ओर से रोहतवा थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। रोहतवा थाने की पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। सुनलाम जे बागाने मध्ये चाकू मेरेছিল আমি শুনে রোহতা হসপিটাল আসে ওখানে রেফার করে মালদা নিয়ে আসলো কি কারণে হয়েছে আমি বলতে পারছি না। কোথায় গিয়েছিল ওরা সবাই? বাগানে ছিল। কতজন? ওটা দেখিনি আমি, আমি তো হসপিটাল থেকে নিয়ে আসলাম। কতজন ছিল না? কে মেরেছে চাকু জানেন? দীপক মণ্ডল বলে, ওর বাবার নাম খোগেন মণ্ডল। বাড়ি কোথায় ওদের? রোহতা নাওলে পাশে। ওখানেই বাড়ি সব? কেমন অবস্থা কোন আপনার ভাইয়ের? খুব সিরিয়াস অবস্থা আছে, এখন ওটিতে ঢুকেছে। দাও কাউকে কি পুলিশ ধরেছে এখনো? না, এখন থানায় যায়নি, প্রথমে চিকিৎসা করাতে নিয়েছে। কোনো পুরনো বিবাদ ছিল তার সাথে? বলতে পারছি না। আপনার নাম? অজয় কুমার মণ্ডল।